दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। अमेरिका में इंडियाना में फेडेक्स फैसिलिटी में हुई मास शूटिंग में 4 सिख मारे गए हैं, इनमें 3 महिलाएं हैं। अमेरिका की इस शूटिंग में 8 लोग मारे गए थे। इस इलाके में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय रहता है। इस घटना से भारतीय समुदाय सकते में है। भारतीय मूल के लोगों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से देश में बढ़ते नफरत भरे अपराध और बंदूकों की हिंसा को थामने की अपील की है। 5 अगस्त 2012 को विस्कॉन्सन में ओक क्रीक गुरुद्वारे में हुई घटना के बाद ये अमेरिका में सिखों पर हुआ सबसे बड़ा हमला है। 2012 के हमले में सिख समुदाय के 7 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने रूसी साइबर हमलों के जवाब में पहली बार रूस के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। बाइडेन प्रशासन ने गुरुवार को घोषणा की है कि अमेरिका रूस के 10 राजदूतों को निकाल रहा है और दर्जनों कंपनियों और लोगों पर प्रतिबंध लगा रहा है। पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में दखल देने और अमेरिका की सरकारी एजेंसीज की हैकिंग के कारण अमेरिका ने ये बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि रूस ने अमेरिका के लोकतंत्र पर हमला किया, जिसकी सजा रूस को दी जा रही है। रूस को मदद पहुंचाने के आरोप में अमेरिका ने 6 पाकिस्तानी नागरिकों और उनकी 4 कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया है। रूस ने एक खुफिया जानकारी चुराने के आरोप में यूक्रेन के राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। उधर यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई में रूस के एक राजनयिक को देश से निकल जाने का आदेश दिया है। शुक्रवार को सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर सोसोन्युक को शुक्रवार को एक रूसी के साथ मीटिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। रूस का आरोप है कि यूक्रेन के अधिकारी ने रूस की सुरक्षा एजेंसी के डेटाबेस की खुफिया जानकारी हासिल की। उधर शनिवार को यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी को देश निकाला दे दिया। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते सीमा विवाद के बाद हुए इन ताज़ा घटनाक्रमों से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिका के कट्टर दुश्मन और क्यूबा के चर्चित कम्युनिस्ट नेता फिदेल कास्ट्रो के युग का औपचारिक अंत हो गया है। फिदेल कास्ट्रो के भाई राउल कास्ट्रो ने क्यूबा के कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख का पद छोड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ ही राउल और उनके भाई फिदेल कास्ट्रो के औपचारिक नेतृत्व वाले युग का अंत होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 1959 की क्रांति के साथ हुई थी। करीब 60 साल तक क्यूबा पर राज करने के बाद अब कास्ट्रो परिवार के शासन का अंत होने जा रहा है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। मर्केल के प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को एंगेला मर्केल ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली डोज ली। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर यूरोप में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उधर पोलैंड में कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। राजधानी वार्सा से करीब 40 किलोमीटर दूर मजोविकी में पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया है। उधर दुनिया भर में कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या 30 लाख को पार कर गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक संक्रमितों की संख्या भी 14 करोड़ से ज्यादा है। WHO का कहना है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की जरूरत है।